प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या उन्होंने पुराना वादा निभाया, क्या की नई घोषणा, कैसे ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिला लिटिल भारत का नजारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मैं जब 2014 में आया था तब आपसे एक वादा किया था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज सिडनी में इस अरीना में मैं फिर हाजिर हूँ और मैं अकेला नहीं आया हूँ, प्रधानमंत्री अल्बनीज भी मेरे साथ आए है। पीएम मोदी ने कहा कि एक समय था जब तीन सी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की परिभाषा करते थे। ये तीन थे कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। उसके बाद ये तीन डी था, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। जब ये तीन ई बना तो यह एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन के बारे में था। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच संबंधों की वास्तविक गहराई इन सी डी ई से परे है। इस रिश्ते के सबसे मजबूत और सबसे बड़ी नींव वास्तव में आपसी विश्वास और आपसी सम्मान है और इसके पीछे असली कारण भारतीय प्रवासी है। भारतीय खाने को लेकर पीएम ने कहा कि मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में जयपुर स्वीट की चटकाज चाट और जलेबी बहुत स्वादिष्ट है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी मेरे मित्र ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज को उस जगह लेकर जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी।